हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्नीज फाइन डाइन एंड ब्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसी रोल की रेसिपी जो किसी भी कैटेगरी के फूडी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, चाहे आप वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। और अक्सर जो किड्स वेजीज खाना पसंद नहीं करते वो इसे खुशी खुशी खाएंगे और ये कम्प्लीट मील है अपने आप में। तो बनाना शुरू करती हूँ और वीडियो को एंड तक देखें। तो ये है कुछ वेजीज जो मैंने लिया है और आप अपने पसंद की कोई भी वेजी ऐड कर सकते हैं। और मैंने बंद गोभी आधा ही लिया है। और इस रोल को मैं दो तरह के रोटी के साथ बनाऊंगी, एक आटे की रोटी के साथ और एक मैदे वाली। और वेजीज को आप लंबे और पतले शेप में ही काटें। और अक्सर जब घर में बहुत सारी रोटियां बच जाती है तो हमें समझ नहीं आता उन रोटियों के साथ क्या करें, तो आप इस रोल को बनाएं और तारीफ़ ही तारीफ पाएँ। तो आटे की रोटी तो ऑलरेडी बन चुकी है और अब मैं मैदे के रोटी के लिए डो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दो कटोरी भर के मैदा लिया है और इसी के बाद ऐड करूँगी दो टेबलस्पून नमक, एक टेबलस्पून चीनी और 5 to 6 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी धीरे धीरे ऐड करना है और एक मीडियम सा डो लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। और अब इसे ऑयल लगा के ढक के रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। और इसी के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक क्यूब बटर का ऐड कर रही हूँ। और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, नहीं तो बटर जल जाएंगे। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल भी ऐड किया है। और ये है बोनलेस चिकन, ये 400 ग्राम्स के करीब है। और अगर आप चिकन नहीं खाते हो तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हो। और इसमें अदरक लहसुन और मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। और चिकन को इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पे भुनना है। अगर आपके चिकन में बोन वाले पीस है तो आप उसे ढक के पकाएं, क्योंकि वो पकने में थोड़े से टाइम लगता है। और अब चिकन भुन चुके हैं तो मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर। और चिकन भुन चुके हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। और ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप अदरक लहसुन मिर्च। और अदरक लहसुन मिर्च को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और सारे वेजीज को ऐड कर दे रही हूँ, फ्लेम को एकदम हाई रखना है। और इसे चला देने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब विनीगर ऐड कर रही हूँ। और इसी के बाद ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी और 1/2 टेबलस्पून नमक और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और वेजीज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्रंची रखना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब केचप। अगर आप केचप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। 1.5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग या इटालियन मिक्स्ड हर्ब। अब इन सबको मिला लूँगी एक बार। और अब ऐड करूँगी, मैंने 3 क्यूब्स लिया है चीज़ के। और वैसे तो चीज़ किसे पसंद नहीं आती, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप और चीज़ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिला लेना आधा एक मिनट तक और ये वेजी रेडी है, फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब रोल बनाऊँगी, तो मैंने पैन को चढ़ा दिया था और 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं अगर किड्स के ये बना रहे हो तो। और इसमें डालूंगी एक अंडा और चुटकी भर नमक डाला है मैंने, इसे अच्छे से फेंट के डाल दूंगी। इस तरह से फैला लें आप। और इसके ऊपर आटे वाली रोटी डालूंगी और इस तरह से सेक लेना है दोनों तरफ से। इस रोल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग से रोटी नहीं बनानी पड़ती है,
जैसे हमें पराठे में बनानी पड़ती है, आप नॉर्मल रोटी से ही ये वाली रोल बना सकते हो। और अब मैं दूसरी रोल बनाऊंगी मैदे वाली, क्योंकि मैदे वाली जो होती है उसमें आपको मोए में ऐड करना पड़ता है, वरना जो रोटी है वो बहुत सख्त बनेगी, उसके लिए आपको अलग सा डो लगाना पड़ता है। आटे वाली रोटी के लिए नॉर्मल रोटी ही काफ़ी है। और इसे भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है हाई फ्लेम पे। अब ये दोनों रोटियां हो चुकी है और इसमें ऐड कर दूंगी वेजीज। अगर आप पनीर डाल रहे हो तो पनीर आप इसी में डाल देना वेजी में, तब वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि ये चिकन है इसे मैंने सेपरेट रखा है और ये मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो आप चिकन को वेजी में ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही बता देना चाहूँगी, जितना चिकन और वेजीज मैंने यहाँ पे लिया है इसमें आप 6 से 7 रोल आराम से बना लोगे। तो बनकर रेडी है वेजी एग चिकन रोल, और मेरे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दें, और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें आने वाले न्यू वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।